नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आप असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ITR 2 फॉर्म को किस प्रकार फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पर। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ITR 2 किसे फाइल करनी है? ITR 2 इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फाइल कर सकती है जो कि ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे कि एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से यदि रेंटल इनकम है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं, कैपिटल गेन है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं, या फिर किसी और व्यक्ति की इनकम क्लब होनी है जैसे कि वाइफ की इनकम या माइनर चाइल्ड की इनकम तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ITR 2 फाइल करेंगे उनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं होनी चाहिए और ना ही पार्टनरशिप फॉर्म से कोई इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव होना चाहिए। ITR 2 फाइल करने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? आपके एम्प्लॉयर ने यदि आपको सैलरी पे की है और TDS काटा है तो फॉर्म नंबर 16 आपके पास होना चाहिए। यदि बैंक के द्वारा आपको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम दी गई है तो आपके पास फॉर्म नंबर 16A के अंतर्गत डिटेल होनी चाहिए कि इस पे कितना TDS कटा है। आप अपने TDS को फॉर्म 26AS के साथ चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर आप मेरी सेपरेट वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं इसी चैनल CS एडवाइजिंग पे। यदि आपके द्वारा रेंट पे किया गया है और आप HRA क्लेम कर रहे हैं तो रेंट पे रिसीट होनी चाहिए। यदि आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है जैसे कि शेयर की सेल से या प्रॉपर्टी की सेल से तो आपके पास कैपिटल गेन की कंपटीशन होनी चाहिए। आपके पास बैंक की पासबुक होनी चाहिए ताकि आप इंटरेस्ट इनकम को कैलकुलेट कर सकें। यदि आपके द्वारा रेंट रिसीव किया गया है तो उस केस में आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि कितना रेंट रिसीव हुआ है, कितने म्यूनसिपल टैक्स पे किए हैं और आपने यदि लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो उस पर कितना इंटरेस्ट पेबल है। यदि आप लॉस क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास इसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि आप पिछले साल का लॉस क्लेम करना चाहते हैं तो पिछले साल की ITR एक्नॉलेजमेंट कॉपी होनी चाहिए। यदि आप टैक्स सेविंग डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं जैसे कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशन तो इसके प्रूफ आपके पास होने चाहिए। क्या आप ITR 2 को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं? फ्रेंड, जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाते हैं, लॉगिन करके ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न चूज़ करनी होती है। तो जैसे ही आप करंट ईयर चूज़ करते हैं उसके बाद आपको मोड ऑफ फाइलिंग चूज़ करना है कि आप ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे या ऑफलाइन प्रिपेयर करेंगे ITR। तो जैसे ही आप ऑनलाइन पे जाते हैं और प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स ITR 2 नहीं आ रहा है। तो ITR 2 फाइल करने के लिए आपको ऑफलाइन यूटिलिटी को यूज़ करना है। तो ITR 2 फाइल करने के लिए आपको यहाँ पे ऑफलाइन चूज़ करना है। यदि आपने incometax.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया है, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये चूज़ कर लेंगे और उसके बाद आपको नीचे ITR टाइप सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ITR 2 चूज़ करेंगे और यहाँ पे फाइलिंग टाइप चूज़ करना है। तो यदि आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो ओरिजिनल रिटर्न चूज़ कर लीजिए और प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें कि आपको रिटर्न प्रिपेयर करनी है और जब आप प्रिपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे ही आपको JSON फाइल को अपलोड करना है और प्री फिल्ड डेटा आप अपनी इस ऑफलाइन यूटिलिटी में इम्पोर्ट कर पाएंगे उसके लिए भी यहाँ पर लिंक दिया गया है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन नहीं किया है तो उस केस में आप यहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे असेसमेंट ये चूज़ करेंगे और उसके बाद कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी के लिंक पे क्लिक करेंगे। ITR 1 से ITR 4 फाइल करने के लिए एक ही कॉमन यूटिलिटी है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि यूटिलिटी किस दिन तक अपडेट की गई है, उसकी डेट आ रही है तो आप इसे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए।
तो फ्रेंड जब आप इस यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे वर्जन आएगा 1.0.2, अभी ये वर्जन चल रहा है, ये जिप फाइल में है, तो आप इसे अपने कंप्यूटर पे सेव कर लीजिए और उसके बाद आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने यूटिलिटी डाउनलोड कर ली है और उसके साथ ही जेसन फाइल भी पोर्टल से डाउनलोड कर ली है जो कि आपको इस यूटिलिटी में इम्पोर्ट करनी है प्रीफिल डेटा। तो अब आप इस यूटिलिटी पे राइट क्लिक करेंगे और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ITDE फाइलिंग सेटअप डॉट exe की आपकी यूटिलिटी आ गई है, इसे आपको डबल क्लिक करना है और ओपन करना है। तो जब आप यूटिलिटी ओपन करेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप यूटिलिटी आएगी ITR 1 से ITR 4 फाइल करने के लिए। यहाँ पे वर्जन होगा यूटिलिटी का, जैसे कि वर्जन 1.0.2 आ रहा है आज की डेट में, तो आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टॉप में अपने राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन आइकन आ रहा है, इसका मतलब है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो आपको यहाँ पे फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। यदि आपने रिटर्न सेव की हुई है ड्राफ्ट वर्जन, तो यहाँ पे ड्राफ्ट वर्जन में क्लिक कर सकते हैं और प्रीफिल डेटा को भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की ITR फाइल करने के लिए। उसके बाद आपने जो प्रीफिल डेटा जेसन फाइल का इम्पोर्ट किया है वो आप इसके अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जेसन फाइल इम्पोर्ट करनी है जो कि आपने इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड की है। तो यहाँ पे सक्सेस मैसेज आ जाएगा, आपको प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे पैन नंबर, नेम ऑफ द टैक्स पेयर, असेसमेंट ईयर और इम्पोर्ट डेट दिखाई देगी, आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल की ITR फाइल कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, यदि HUF की कर रहे हैं यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तो HUF सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको ITR 2 सेलेक्ट करना है और प्रोसीड विद ITR 2 फाइल करना है। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस कर सकते हैं। यदि आपके कोई FAQ है ITR फाइल करने से रिलेटेड तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके उन्हें रेफर कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि क्या आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, जैसे कि 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है, या फिर आप इसलिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए मैंडेटरी है सेक्शन 139(1) की 7th प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, यानी कि आपने फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए 2 लाख रुपए से ज़्यादा का एक्सपेंस इनकर किया है, या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का एग्रीगेट अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो आप यहाँ पर चूज़ करके कंटिन्यू बटन पर प्रेस करेंगे। फ्रेंड्स ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 12 शेड्यूल हैं जो कि आपको मैंडेटरी फिल करने हैं, जनरल के अंतर्गत 1, इनकम के अंतर्गत 5, डिडक्शन के अंतर्गत 2, टैक्स के अंतर्गत 2 और अदर्स के अंतर्गत 2। यदि आप उससे ज़्यादा शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल हैं तो आप उन्हें यहाँ पर टिक कर सकते हैं, तो जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर टिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो मैंडेटरी फील्ड है वो ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड है यहाँ पे। तो आप जैसे कि जनरल की टैब में क्लिक करेंगे यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो जनरल के शेड्यूल हैं वो ओपन हो जाएंगे। यदि आप डिटेल में यहाँ पे शो बटन पे क्लिक करेंगे तो जो डिटेल है वो यहाँ पे शो हो सकती है और यहाँ पे हाइड भी हो सकती है। उसके अलावा जैसे इनकम पे आप क्लिक करेंगे तो इनकम के जो शेड्यूल हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। कम से कम आपको एक शेड्यूल तो टिक करना है इनकम के अंतर्गत ताकि आप आगे कैरी ऑन कर सकें, जैसे कि सैलरी हेड के अंतर्गत ऑलरेडी चूज़ किया है तो आप हाउस प्रॉपर्टी हेड के चूज़ कर सकते हैं। यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है या फिर कैपिटल गेन की तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए, और यदि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो आप नीचे यहाँ पे टिक किया हुआ है, और यदि आपकी कोई और इनकम है जैसे कि क्लबिंग आपको करनी है स्पाउस माइनर चाइल्ड की तो आप यहाँ पे स्पेशल इनकम जो है का शेड्यूल टिक कर सकते हैं, और यदि आपकी एग्जम्प्ट इनकम भी है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली शेड्यूल चूज़ करके कंटिन्यू बटन पे प्रेस कर सकते हैं।
जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू बटन पर प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये मैसेज आएगा कि यहाँ पे जो शेड्यूल इनेबल किए गए हैं या डिसेबल किए जाएंगे वो टैक्स पेयर ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके बेस पे किए जाएंगे। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आप ट्रू कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें। आप एडिशनल शेड्यूल इनेबल कर सकते हैं तो आप कंटिन्यू बटन पर प्रेस करेंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स टोटल 12 शेड्यूल पहले आ रहे थे जो कि मैंडेटरी फिल करने थे और 4 शेड्यूल मैंने और एक्स्ट्रा चेक किए हैं तो टोटल 16 शेड्यूल आ गए हैं। और आपकी सिलेक्शन के बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि आप इन शेड्यूल को फिल कर सकें। आपको कंटिन्यू बटन प्रेस करना है। यदि आप क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप नई टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं 115BAC के अंतर्गत। फ्रेंड्स नई स्कीम को ऑप्ट किया जा सकता है इंडिविजुअल और HUF के द्वारा जिसमें कि टैक्स रेट तो कम है लेकिन आप डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। तो इस पर मेरी आप सेपरेट वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नो चूज़ कर रहा हूँ तो कंटिन्यू बटन पे प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे आपको सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या आप कोई एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं इनकम एसेट के अंतर्गत, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यदि हाउस रेंट अलाउंस लेने के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप यस कर सकते हैं, या लीव ट्रैवल अलाउंस एक्स्ट्रा लेने के लिए और आप कंटिन्यू बटन पर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या आप इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो आप यहाँ पे यस करके सेक्शन 80C के अंतर्गत जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसी प्रकार मेडिक्लेम का या फिर एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट एक्स्ट्रा का अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन पे प्रेस कर सकते हैं। तो उसके बेस पे फ्रेंड्स आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी कि आपका डेटा प्रीफिल किया गया है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे तो आप यहाँ पे सबसे पहले पार्ट वन जनरल इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिए और यहाँ पे डिटेल आपको एंटर करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है और उसके बाद आप कॉन्टैक्ट की डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसे कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस एक्स्ट्रा। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यदि आप क्लिक करते हैं यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल है वो आपके इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल से ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो आप इसमें कोई एडिट नहीं कर सकते। यदि आपको कोई चेंज करना है तो वो आपको ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे ही प्रोफाइल के अंतर्गत आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी टैब है आपकी कॉन्टैक्ट की, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पे एडिट बटन दिया गया है, इसे आप एडिट कर सकते हैं। अगली टैब है फाइलिंग स्टेटस की, तो यहाँ पे आप किस सेक्शन के अंतर्गत रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे कि ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के बाद, वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने ऑप्ट किया है कि आप नई टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने जो रिस्पॉन्स दिए हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं कि आपके लिए क्या ये मैंडेटरी है कि आप ITR फाइल करें। जैसे कि आपने 2 लाख रुपये से ज़्यादा का फॉरेन ट्रैवल में एक्सपेंसेस किया है तो आप इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यदि आप रेजिडेंट हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद कंडीशन जैसे कि 182 डेज एंड उससे ज़्यादा का स्टे यदि आपका इंडिया में है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और क्या आप 115H के बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं, यहाँ पे आई बटन दिया गया है, इसे आप क्लिक कर सकते देख सकते हैं। और उसके बाद यदि आप डायरेक्टर हैं कंपनी में उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, और यदि आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना है। यदि आप यस टिक करेंगे तो उसके बाद आपको डिटेल यहाँ पे ऐड करनी होगी, अदरवाइज़ यदि आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो नो करके आप सेव कर दीजिए। लास्ट में आपको बैंक डिटेल यहाँ पे फीड करनी है। आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होना चाहिए, उसके बाद ही आपका रिफ़ंड आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटेल ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स की वेबसाइट से आई है, तो आप कि जो बैंक यहाँ पे हैं उन्हें आप व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। आपको एक बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसमें कि आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड आ सके, और यहाँ पे नीचे ऐड
अनदर के ऑप्शन के साथ आप बैंक की डिटेल ऐड कर सकते हैं और उसके बाद कंफर्म करेंगे और बैक टू समरी पे जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए कन्फर्म लिखा हुआ आ गया है पार्ट वन जनरल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत, यहाँ आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगला शेड्यूल है शेड्यूल सैलरी का, इसे आपको क्लिक करना है और जो डिटेल है यहाँ पे फीड करनी है। यह है सैलरी का शेड्यूल जहाँ पे कि आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कोलैप्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल ग्रोथ सैलरी फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर्स आपके यहाँ पे आ जाएगी, आप उसे एंटर कर सकते हैं। और यदि आपके अलाउंस है एग्जम्प्ट तो उतनी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और नेट सैलरी देख सकते हैं, डिडक्शन देख सकते हैं सेक्शन 16 के अंतर्गत, और इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरीज। तो यदि आप इसे फीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंड ऑल कर लीजिए और यहाँ पे जो ग्रोथ सैलरी है उसे ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आप नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, टेन ऑफ द एम्प्लॉयर एंट्री कर सकते हैं, एड्रेस, स्टेट और जो फ़ोन नंबर 16 के अकॉर्डिंग आपका सैलरी का ब्रेकअप है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि नेचर ऑफ द सैलरी में बेसिक सैलरी एक्स्ट्रा सेक्शन 17 के जो परक्विजिट्स है उनको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी एक्स्ट्रा और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके मैसेज दिखाई देगा कि आपकी जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है फ़ोन नंबर 16 के अकॉर्डिंग आ रही है, यानी कि एम्प्लॉयर ने आपको जो TDS का सर्टिफिकेट इशू किया है आपको इसका ब्रेकअप यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, एड डिटेल और ब्रेकअप करके कि परक्विजिट की वैल्यू क्या है, प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी क्या है, और आपको इसे नीचे जाके कंफर्म करना है और बैक टू शेड्यूल पे जाना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सैलरी का शेड्यूल भी कंफर्म हो गया है। अब आपको हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल की डिटेल एंटर करनी है। तो शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यानी कि HP शेड्यूल पे क्लिक करना है, जिसके बाद के आपके सामने ये शेड्यूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं, ऐड डिटेल पे क्लिक करना है, जिसके बाद के आपको एड्रेस, टाउन, स्टेट जो है प्रॉपर्टी का वो मेंशन करना है। आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको पिन कोड अपना एंटर करना है और यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है कि क्या आप ओनर हैं प्रॉपर्टी के, माइनर ओनर है, स्पाउस है या अदर है। यदि आप ओनर हैं तो क्या प्रॉपर्टी के को ओनर हैं, यदि हाँ तो आपको परसेंटेज शेयर प्रिस्क्राइब करना है कि इस प्रॉपर्टी में आपका कितना शेयर है। मान लीजिए 50% ओनर हैं प्रॉपर्टी के तो उस केस में आपको को ओनर का नेम देना ज़रूरी होगा यहाँ पे, और उसके बाद आपको ये डिटेल सेव करनी है। नीचे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के टाइप भी बतानी है, जैसे कि सेल्फ ऑक्यूपाई की है, आपने लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है। यदि आपने प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई की है तो इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए जो लोन लिया है इस पर जो इंटरेस्ट पेबल है वो आप अमाउंट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 2 लाख रुपये का ही अमाउंट एंटर कर सकते हैं या फिर जो एक्चुअल अमाउंट है विच एवर लेस। लेकिन यदि आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की है तो उस केस में आपको टेनेंट का नेम देना ज़रूरी है, और इसके अलावा जो ग्रोस रेंट रिसीव किया गया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है या रिसीवेबल अमाउंट, और उसके बाद जो म्यूनसिपल टैक्स आपने लोकल अथॉरिटी को पे किया है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। जो आपने हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पेबल है वो आप अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे कोई शिक्षा नहीं है कि 2 लाख रुपए ही आप एंटर कर सकते हैं, जो आपने एक्चुअल अमाउंट इंटरेस्ट का पेबल आ रहा है वो आप लेट आउट में एंटर करके यहाँ पे ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपने हाउस प्रॉपर्टी की जो डिटेल एंटर की है उसे आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, और ये डिटेल आप देख सकते हैं। यदि आपकी एक और प्रॉपर्टी है जहाँ से कि रेंटल इनकम है तो यहाँ पे ऐड न दे करके वो प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कंफर्म दबाना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आप कैपिटल गेन की डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना एसेट सेलेक्ट करना है कि क्या आपने लैंड और बिल्डिंग सेल की है या कोई दूसरा एसेट सेल किया है, जैसे कि बॉन्ड और डिबेंचर, या कोई और एसेट सेल किया है जैसे कि ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर एक्स्ट्रा की, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है, उसके बाद आपके सामने ये शेड्यूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्सपेंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग और बोथ यहाँ पे आप उसकी डिटेल एंटर कर सकते हैं। ऐड डिटेल बटन पे क्लिक करके तो आप यहाँ पे ऐड डिटेल कर लीजिए। यहाँ पे अब आपको
हर एसेट की डिटेल सेपरेटली एंटर करनी है, जितने भी आपने लैंड या बिल्डिंग अलग से सेल की है। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ परचेज एंटर करनी है, डेट ऑफ सेल एंटर करनी है, ताकि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जा सके। यदि आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई एसेट एक्वायर किया था तो उस केस में आपको 1 अप्रैल 2001 ही यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे अब आप सबसे ऊपर मंथ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ईयर आ जाएगा और ये बैक एरो दिया गया है, इस पर भी आप क्लिक करके जो है वहाँ जा सकते हैं। तो 2001 आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे 1 अप्रैल सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आपने इससे पहले एसेट एक्वायर किया था। और डेट ऑफ सेल आपको एंटर करनी है जिस दिन आपने एसेट सेल किया है, और उसके बाद कैलकुलेट बटन पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग आ जाएगा कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो आप ऐड करेंगे और उसके बाद आपको इस एसेट की डिटेल एंटर करनी है नीचे, जैसे कि आपने कितना कंसीडरेशन यहाँ पे इस एसेट को सेल करने के बाद रिसीव किया था, इस एसेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, और जो अदर पर्टिकुलर हैं वो आपको एंटर करने हैं, जैसे कि इस एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इन टैक्सेशन कितनी बन रही है। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपके यहाँ पे आ गई है। यदि आपने इस एसेट पे कोई इम्प्रूवमेंट की थी विद इन टैक्सेशन वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी डीलर को भी कुछ पैसे दिए थे तो वो डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे जब आपने सेल की है। और उसके बाद यदि आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं सेक्शन 54 के अंतर्गत, आपने अमाउंट को री इन्वेस्ट कर दिया है और आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐड न दे करके ये डिडक्शंस एंटर कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस पर डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं कि कैपिटल गेन की एंट्री कैसे करनी है, ITR में कैलकुलेशन कैसे करनी है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको बायर का नेम देना मैंडेटरी होगा, परसेंटेज ऑफ शेयर, अमाउंट, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, स्टेट और पिन कोड, ये आपके पास रेडी होने चाहिए जिस बायर ने आपसे प्रॉपर्टी ली है। तो अब आप यहाँ बैक स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 0 आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आ रहा है। और यदि आपने कोई और एसेट सेल किया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐड डिटेल पे प्रेस करेंगे। मान लीजिए आपने कोई ज्वेलरी सेल की है तो जितनी भी टाइप की आपने ज्वेलरी सेल की है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, वो आप यहाँ पे इकट्ठी ही एंट्री कर सकते हैं। उस पर आपको शॉर्ट टर्म गेन हुआ या लॉन्ग टर्म तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एक्स्ट्रा एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे ऐड बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने शेड्यूल आ जाएगा कि आपके टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने हैं और इनकम चार्जेबल अंडर दैट कैपिटल गेन। उसके बाद जो कैपिटल गेन में से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है, यहाँ पे आप ऐड डिटेल कर सकते हैं। ऐड डिटेल में आपको चूज़ करना है कि आप किस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि आप हाउस प्रॉपर्टी बेच के एक और हाउस प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उस केस में आपको डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओरिजिनल एसेट, डेट ऑफ परचेज ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस या फिर अमाउंट डिपॉजिट किया जो आपने कैपिटल गेन में ड्यू डेट से पहले ITR की और जो डिडक्शन क्लेम की गई है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे डिडक्शंस ऐड कर सकते हैं। और यदि आपने सेट ऑफ क्लेम करना है कैपिटल गेन के अंतर्गत, आपके लॉसेज थे तो आप यहाँ पे वो लॉसेज जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप का जो कैपिटल गेन हुआ है वो किस डेट्स को हुआ है, इसके लिए आप यहाँ पे ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे और बताएंगे गवर्नमेंट को कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब हुए थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब हुए थे, 15 जून तक, 16 जून से 15 सितंबर तक, 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक, 16 दिसंबर से 15 मार्च और 16 मार्च के बाद, क्योंकि इस केस में आपको एडवांस टैक्स को पे करने की लायबिलिटी बनती है इसलिए ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के द्वारा मांगी जाती है। तो आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म दबाना है। फ्रेंड्स, उसके बाद अगला शेड्यूल है शेड्यूल 112A। यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं सेल ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी पे, जैसे कि इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड,
जिस पे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया है, तो आपको इस शेड्यूल में एंट्री करनी है। यदि आपकी शेयर की ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो आप यहाँ पे CSV टेम्पलेट डाउनलोड करके इसमें डिटेल एंटर कर दीजिए और बाद में उस CSV टेम्पलेट को यहाँ अपलोड कर दीजिए। यदि आपकी एंट्रीज कम है तो यहाँ पे बटन में ऐड डिटेल करके इन्फॉर्मेशन ऐड कर दीजिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो है शेयर वो सिलेक्ट करने हैं, और यहाँ पे यदि आपने 31 जनवरी 2018 से पहले शेयर परचेज किए हैं तो उसके इसमें आपको स्क्रिप्ट वाइज डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 यहाँ पे एंटर करनी है और डिटेल्स ऐड करनी है। उसके बाद अगला शेड्यूल है शेड्यूल ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यदि आपका बैंक इंटरेस्ट है, डिविडेंड इनकम है और स्पेशल इनकम है जैसे कि फैमिली पेंशन, तो आप इस शेड्यूल के अंतर्गत एंट्री करेंगे। इस प्रकार यहाँ पे शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड डिटेल एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम आपको ऐड करनी है जैसे कि डिविडेंड इनकम है या फिर इंटरेस्ट इनकम है जैसे कि सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की, बैंक से FDR के इंटरेस्ट की, इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट की, या कोई और इनकम है, या रेंटल इनकम है फॉर मशीनरी प्लांट बिल्डिंग एक्स्ट्रा अदर सोर्सेज के अंतर्गत, या फिर आपने गिफ्ट रिसीव किए हैं तो उसकी डिटेल यहाँ एंटर होती है एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट, और एनी अदर इनकम आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं जैसे कि फैमिली पेंशन अमाउंट है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको ऐड करना है। और यदि आपकी कोई और स्पेशल इनकम है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं इनकम चार्जेबल एट द स्पेशल रेट ऐड डिटेल करके, और उसके बाद आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 चेक कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे फैमिली पेंशन की मैंने एंट्री की थी तो 1/3 या 15,000 विच एवरी लेस वो डिडक्शन यहाँ पे मिल गई है। यदि आपकी कोई और डिडक्शन है, एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं स्पेशली अदर सोर्स की इनकम के लिए, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगी। यहाँ पे आपकी एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग दे सोर्सेज से यदि इनकम है तो आप सेपरेटली एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा इस इनकम का जो अक्रूअल है, किन डेट्स पे था, वो आपको एंटर करना है जैसे कि डिविडेंड इनकम का या इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एक्स्ट्रा 15 जून तक, 15 सितंबर तक, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च तक, ताकि जो एडवांस टैक्स है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे की जा सके। और उसके बाद आपको कंफर्म करना है। उसके बाद अगला शेड्यूल है करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट। जैसे कि आपका हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंतर्गत लॉस था तो आप दूसरी हेड की इनकम से सेटअप कर सकते हैं जैसे कि कैपिटल गेन से, तो आपको इस शेड्यूल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल ओपन हो गया है। आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था वो किस प्रकार सेटअप हो रहा है, किस हेड के अंतर्गत, जैसे कि सैलरी से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और यहाँ पे टोटल आ रहा है तो आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंफर्म बटन पे प्रेस करना है। अगला शेड्यूल है शेड्यूल BFLA यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्टमेंट है, यानी कि पास्ट ईयर के जो लॉसेस हैं जो आप करंट ईयर में सेटअप करेंगे और उसके बाद के जो लॉसेस आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही आप शेड्यूल BFLA को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो करंट ईयर की इनकम है आफ्टर करंट ईयर लॉसेस सेटअप वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया है, और जो आपके ब्रॉड फॉर लॉसेज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, और करंट ईयर इनकम आफ्टर ब्रॉड फॉर लॉसेज जो रह जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन ये शेड्यूल फिलअप करने से पहले आपको शेड्यूल CFL पहले फिल करना है। ये शेड्यूल कहाँ से फिलअप करना है तो आप बैक टू शेड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऐड मोर शेड्यूल दिया गया है इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए अदर्स की टैब आ रही है आपके लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्लिक कीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यह है शेड्यूल CFL, तो आप इसे टिक कर लीजिए क्योंकि ये आपको फिल करना होगा। यदि आप के पिछले साल में लॉसेज हैं जो कि आप करंट ईयर में सेटअप करना चाहते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे अब शेड्यूल BFLA के नीचे शेड्यूल CFL आ गया है, आपको इसे क्लिक करना है यदि आपके प्रीवियस ईयर में लॉसेज थे।
तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप पिछले 8 सालों के जो लॉसेज हैं वो सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर देख सकते हैं, जैसे कि आपके 13-14 के लॉसेज थे, तो यहाँ पे सबसे ऊपर एडिट बटन दिया गया है, इसे आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करनी है, जैसे कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, और आपका लॉस किस हेड के अंतर्गत था, शॉर्ट टर्म था, लॉन्ग टर्म था, हाउस प्रॉपर्टी का था, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री की है कि हमने किस दिन ITR फाइल की थी, उसकी डेट एंटर कर दी है, हमारा कैपिटल लॉस था लॉन्ग टर्म, तो ये लॉन्ग टर्म के हेड से ही सेटअप हो सकता था, तो आप यहाँ पे डिटेल ऐड कर देंगे। और उसके बाद आप इस शेड्यूल में ही नीचे जाएंगे, यहाँ पे कंप्यूट सेटअप का बटन दिया गया है, इसे प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी ITR में जो रेलेवेंट शेड्यूल है वो अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जाइए ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्टमेंट के शेड्यूल में, और अब आप जब नीचे जाएंगे यहाँ पे देखिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा हुआ था उससे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था वो सेटअप हो गया है, और नेट इनकम यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे भी आप कंप्यूट सेटअप का बटन दबा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपके करंट ईयर के लॉसेज हैं जो कि आप फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो कौन से ऐसे लॉसेज हैं ये शेड्यूल CFL में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 21-22 असेसमेंट ईयर के करंट ईयर लॉसेज जो कि आप फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो यहाँ पे देख सकते हैं। यदि कोई इनकम आपकी ऐसी है जो कि स्पेशल रेट पे टैक्सेबल है, तो आप उसे शेड्यूल स्पेशल इनकम इनके SI में देख सकते हैं। ये इनकम आपकी जो दूसरे शेड्यूल हैं जो आपने फिल किए हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्स्ट्रा, वहाँ से उठाई जाएगी। तो यह शेड्यूल SI, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो स्पेशल इनकम है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स रेट लगता है, तो जो इनकम मैंने डिक्लेयर किए है ITR में उस पर जो टैक्स बना है वो यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे नीचे टोटल आ जाएगा डिफरेंट प्रकार की जो टैक्सेबल इनकम आप डिफरेंट हेड के अंतर्गत दिखाएंगे उस पर यहाँ कैलकुलेशन आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, जिससे कि आप कंफर्म करेंगे। अगला शेड्यूल है शेड्यूल 80D, यानी कि जो मेडिक्लेम की डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं इनकम टैक्स में, उसकी डिटेल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जिस केस में के आपको बताना होगा कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया है वो एज ए सीनियर सिटीज़न आपने पे किया है, और क्या आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीज़न है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है एंट्री करेंगे। और यदि आप यहाँ पे नो क्लिक करते हैं, तो उस केस में आप सेल्फ एंड फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पेरेंट में सीनियर सिटीज़न है, तो उस केस में आप यहाँ पे डिडक्शन सेपरेटली क्लेम कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐड बटन पे प्रेस करेंगे। यदि आप कोई और डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो चैप्टर 6A के अंतर्गत यानी कि शेड्यूल 6A पे क्लिक करेंगे। जैसे कि सेक्शन 80C की डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं, तो वो डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। आपने लास्ट ईयर जो ITR फाइल की थी उसके बेस पे डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जिसे कि आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने लास्ट ईयर क्या क्लेम किया था, उसे आप यहाँ एडिट कर लीजिए, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे एज ए डिडक्शन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इनकम की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पार्ट सी के अंतर्गत जब आप नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे जो एरो दिया गया है इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड अनदर पे आपको प्रेस करना है, और जिसके बाद के जो इनकम आपने अर्न की है, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, उसकी आपने एंट्री की है अदर सोर्सेज में, तो उसकी डिडक्शन, या सीनियर सिटीजन को 80TTB की डिडक्शन, या 80U की डिसेबिलिटी के केस में डिडक्शन एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं। यदि आप कोई और डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो उस केस में आप नीचे जाके शेड्यूल में एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आप 80G की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे जाना है और ऐड मोर शेड्यूल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिडक्शन पे जाना है, और यहाँ पे देखिए शेड्यूल 80G दिया गया, इसे आप टिक कर लीजिए, इसे आप ऐड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद है शेड्यूल SPI, यानी कि शेड्यूल ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन इनकम, जैसे कि माइनर चाइल्ड की इनकम है या फिर स्पाउस की इनकम है जो कि क्लब होगी, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग जो इनकम क्लब होनी है उसके लिए आप यहाँ पे ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द पर्सन मेंशन करना है, तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप मेंशन करना है और यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन करना है। यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है कि ये इनकम किस हेड के अंतर्गत इंक्लूड की गई है, तो आप यहाँ से हेड सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको एग्जम्प्ट इनकम की डिटेल डालनी है, यानी कि ईआई का जो शेड्यूल है वो फिल करना है। भले ही आपकी इनकम एग्जम्प्ट है यानी कि इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम यदि आपकी एग्जम्प्ट है या एग्रीकल्चर इनकम इनकम टैक्स नहीं लगता तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे ऐड करेंगे, या माइनर चाइल्ड की जो एग्जम्प्ट इनकम होती है 1500 रुपीज़ तक, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद है पार्ट बी यानी कि कंपटीशन ऑफ द टोटल इनकम, इसे आपको चेक करना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे टोटल इनकम की डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि सैलरी से कितनी इनकम आ रही है, और यहाँ पे जो ब्लू में लिंक दिए गए हैं जैसे कि व्यू शेड्यूल ऑफ सैलरी, इसे क्लिक करके आप डिटेल में हर हेड के अंतर्गत जो इनकम है वो देख सकते हैं कि कैसे कंप्यूट हुई है। इस प्रकार अब आप जब नीचे जाएंगे यहाँ पे टोटल इनकम आ जाएगी, और उसके बाद लॉसेस सेटअप करने के बाद जो भी इनकम आएगी वो आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ कंफर्म करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए लास्ट में टीटीआई यानी कि कंपटीशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम का शेड्यूल है, लेकिन इससे पहले आपने जो भी टैक्स पे किया है जैसे कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, वो शेड्यूल नहीं यहाँ पे आ रहे, तो उसके लिए आप ऐड मोर शेड्यूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टैक्स की टैब पे क्लिक करेंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसके बाद जब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल ऑफ टैक्स पेमेंट, जैसे कि आपने एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो आप इन शेड्यूल को टिक कर लीजिए। टीडीएस का शेड्यूल है, टीडीएस का, टीसीएस का शेड्यूल है, और इन्हें अच्छे से चेक कर लीजिए कि 26AS के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल आ रही है। यदि नहीं आ रही तो आप इनमें अपने टैक्स की एंट्रीज कर लीजिए। तो फ्रेंड, जैसे ही हमने TDS और एडवांस टैक्स के शेड्यूल एंटर किए हैं तो यहाँ पे TP की शेड्यूल आ गया है, यानी कि टैक्स पेड का TDS, TCS इस एक्स्ट्रा के लिए, तो आपको इसे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको TDS की एंट्री करनी है, जैसे कि यदि आपका सैलरी का TDS कटा है या फिर अदर देन सैलरी का, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप एंट्री कर लीजिए। TCS और एडवांस टैक्स इस एक्स्ट्रा की यहाँ पे एरोस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड डिटेल आप कर सकते हैं। ये इंश्योर कर लीजिए कि ये डिटेल 26AS के अकॉर्डिंग हो। 26AS कैसे चेक करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंड ऑल एंड कोलैप्स ऑल का फीचर दिया गया है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं और सभी डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और कन्फर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट शेड्यूल आपको फिल करना है वो है TTI का, यानी कि पार्ट बी कंपटीशन ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम। इस प्रकार आप यहाँ पे जो टैक्स की कंपटीशन है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ है। यदि आपके लिए रिबेट एप्लीकेबल है, 5 लाख से कम की इनकम है, तो वो भी यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी, सरचार्ज कैलकुलेट हो जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे शो डिटेल करके आप देख सकते हैं कि ये ग्रोस टैक्स पेबल किस प्रकार आया है, और उसके बाद आपके लिए यदि इंटरेस्ट एंड लेट फीस एप्लीकेबल है तो वो भी आप यहाँ पे ब्लू बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आपने एडवांस टैक्स TDS पे किया हुआ है तो वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जैसा कि TDS शेड्यूल हमने फिल किया था। और उसके बाद अमाउंट पेबल यदि फिर भी आपका आ रहा है टैक्स पेबल, तो नीचे आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप अभी पे कर दीजिए। TIN NSDL की वेबसाइट पे आप चालान पे कर सकते हैं इनकम टैक्स का, और यदि आप बाद में पे करने के ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उस केस में आपको असेसिंग डिफ़ॉल्ट माना जा सकता है और आपसे इंटरेस्ट की रिकवरी भी की जाएगी टैक्स के अलावा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको TIN NSDL की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको चालान नंबर ITNS 280 फिल करना है, यानी कि जो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे, यहाँ प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप इंडिविजुअल हैं तो इनकम टैक्स अदर देन कंपनी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अब आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो आप 2021-22 के लिए ये चालान भर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए।
तो यहाँ पे आपको परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है और एड्रेस डाल के कैप्चा कोड एंटर करके आपको प्रोसीड करना है और चालान की पेमेंट करनी है, जिसके बाद के आपको बीएसआर कोड, चालान नंबर और डेट ऑफ डिपॉजिट आईटीआर में फिल करना है। यदि आपका टैक्स पेबल आ रहा है, आपने पे कर दिया है चालान से, तो फिर से आपको टैक्स पेड के शेड्यूल में जाना है टीपी में, और यहाँ पे नीचे जो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है यहाँ पे ऐड करनी है डिटेल, जैसे कि बीएसआर कोड बैंक का यहाँ पे ऐड करना है, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान सीरियल नंबर, अमाउंट और ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, जब आप टैक्स की डिटेल फिल कर देंगे और टोटल इनकम पे टैक्स चेक कर लेंगे, तो आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप टोटल इनकम पे टैक्स चेक कर लीजिए। यहाँ पे अब आपका जो टैक्स पेबल है वो जीरो आ जाएगा, देखिए, क्योंकि आपने चालान जो है वो पे कर दिया है। यदि आपका रिफंड है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने रिटर्न का प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पे कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपने शेड्यूल फिल किए हैं उन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं राइट हैंड साइड में कि क्या प्रीव्यू आ रहा है और क्या डिटेल आपने फीड की है। तो आप नीचे जाएंगे, यहाँ उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपको प्लेस एंटर करना है जहाँ से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर करना है, फादर्स नेम एंटर करना है, और यहाँ पे आप किस कैपेसिटी में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एज ए सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव करता तो आप सेल्फ फाइल कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है ये डिटेल फिल करके, और नीचे जाएंगे आप, यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी रिटर्न वैलिडेट होगी, आपकी एरर आ जाती हैं वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देंगी। अब आपको यहाँ पे इस एरर हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, बैक बटन पे प्रेस नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे फ्लैट डोर नंबर एंटर नहीं किया गया है या बैंक नेम, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने सभी एरर को करेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर मैसेज दिखाई देगा वैलिडेशन सक्सेसफुल। आप यहाँ पे अपनी जेसन फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप इसे ओपन करके देख सकें। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपसे इनकम टैक्स का लॉगिन मांगा जाएगा, यानी कि आप यूज़र आईडी में अपना पैन नंबर या आधार कार्ड एंटर करेंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करके अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है कि क्या आप अभी ई वेरीफाई करना चाहते हैं, जिस केस में कि आपको वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। आपके आधार पे मोबाइल नंबर जो लिंक्ड है या जो भी आप मेथड सेलेक्ट करेंगे, या आप बाद में ई वेरीफाई करना चाहते हैं, या फिर आप एक्नॉलेजमेंट को साइन करके बेंगलोर भेजेंगे, तो अकॉर्डिंगली आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आपके मैसेज दिखाई देगा कि आपने रिटर्न को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, और यहाँ पर आप उसे डाउनलोड भी कर पाएंगे और डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं। ITR 2 फाइल करने का दूसरा तरीका है कि आपने जो JSON फाइल जनरेट कर ली है ऑफलाइन यूटिलिटी से, उसे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, incometax.gov.in पे ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे मोड ऑफ फाइलिंग सेलेक्ट करेंगे कि क्या आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं ऑफलाइन, तो आप यहाँ पे ऑफलाइन पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे आप ITR सेलेक्ट कर लीजिए ITR 2, और यहाँ पे फाइलिंग टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आपकी ओरिजिनल रिटर्न है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अब आप ये जो JSON फाइल आपने वहाँ से बनाई है ऑफलाइन यूटिलिटी से, यहाँ से अटैच करके प्रोसीड टू वेरीफिकेशन बटन पर क्लिक कर सकते हैं और ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।